सभी लोगों को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अच्छी आवाज आ रही है। आ रही, आ रही, बहुत अच्छी आ रही है। प्रभु की स्तुति हो। ऐसा सौभाग्य मेरे जीवन में मिला है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और उसके साथ साथ जो नेटवर्क इश्यू है, यहाँ पर हालत थोड़ा खराब है, लेकिन प्रभु की अनुग्रह हमारे साथ बनी है, इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। और आइए हम लोग ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए प्रभु का वचन की ओर हम लोग जाएंगे। जैसे कि जो शीर्षक, संदेश का शीर्षक हम लोगों ने इस तरीके से दिया है कि आत्मिक उन्नति। एक व्यक्ति का जीवन जो है पैदा हो जाता है, फिर बाद में उसको क्या है कि वहीं पर वो नहीं रह जाता, भले वो कुछ भी खाए, लेकिन वो क्या करता है ना, वो बढ़ता है, और वो क्या करता है ना, हर समय जीने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति हर समय जीने का ही प्रयास करता है, वो बढ़ने का प्रयास करता है। तो हम लोग देखें कि एक व्यक्ति के विषय में देखा जाए तो फिर वो क्या करता है ना, एक साथ वो रह नहीं सकता, मतलब खाली हो करके, नहीं मैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, ऐसा वो कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में जो है जो भूख लगती है, उस भूख के वजह से वो इधर उधर तरसता है। पक्षियों को देखो, वो दाना तलाशने जाते हैं, जानवरों को देखो, वो कहीं पर भोजन का व्यवस्था करने इधर उधर वो लोग दौड़ते हैं, भागते हैं। ऐसे ही इंसान है, वो क्या है ना, उसका शारीरिक जीवन को उसको बढ़ाना है, उस शारीरिक जीवन को यदि उसको तंदुरुस्ती करना है, उसका भूख को मिटाना है, तो उसको भोजन की जरूरत है। जब वो भोजन खाता है तो ऑटोमेटिकली उसको, मैं लंबा हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं, वो सोचने की जरूरत नहीं है। जो भोजन वो लेता जाएगा, उसी तरीके से वो बढ़ता जाता है। प्यारो, वैसे ही है एक आत्मिक जीवन है। आत्मिक जीवन क्या है, आप यदि बढ़ना ही नहीं चाहते, आप भोजन ही नहीं खाना चाहते, तो फिर आप कैसे बढ़ सकते हैं? भोजन की जरूरत है आत्मिक जीवन के लिए। वो आज हम लोग वही चीज को देखने वाले हैं, वो क्या है, कौन सी ऐसी बात है, हमें हेल्दी रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो जो है भोजन की जरूरत है। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी हमें स्वस्थ रहना है तो भोजन की जरूरत है। वो भोजन क्या है मेरे प्यारो, उसी बात को आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं, वो सालों साल हो गया वे लोग मसीह जीवन में आकर के, वो पहले जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन उनके जीवन में ना इंप्रूवमेंट आया है, ना कोई बदलाव आई है। लेकिन क्या होता है कि प्रभु में जब एक व्यक्ति पैदा होता है, वह प्रभु में एक व्यक्ति विश्वास करके आता है, तो वो कौन है ना, एक नया जीवन वो प्राप्त कर चुका है। रोमियो उसका छठवां अध्याय और चौथा पद में क्या कहते हैं, उस पद को हम लोग पढ़ेंगे, कोई मुझे पढ़ने में मदद करते रहना। रोमियो उसका छठवां अध्याय और चौथा पद, उसमें इस तरीके से लिखा गया है कि कोई व्यक्ति यदि क्या करता है ना, बपतिस्मा लेता है ना, प्रभु यीशु उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह में हम जब पैदा हो गए हैं, है ना, उसको हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हम लोग जिलाए गए हैं, हम लोग पाप में मरे हुए थे, है ना, कहां पर ना, यदि देखें तो फिर पाप में हम लोग मरे हुए थे, है ना, पाप और अपराध में। इफिसियों का पत्री में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग पाप और अपराध में हम लोग मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में क्या हो गए ना, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की मौत हुई और प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए, तो उसमें हम लोग शामिल हो करके हम भी गाड़े गए, हम भी जो है उस बपतिस्मा को लिए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हो गए हैं। अभी एक नया जीवन आपको और मुझे मिला है। कैसा वो नया जीवन? ऐसा है कि हम लोग पाप में मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक नया जीवन दिया जब हम लोग यीशु मसीह को विश्वास किया। यीशु मसीह को विश्वास करने से हमें क्या मिलती है, एक तोहफा के तौर पर उद्धार की वरदान, अनंत जीवन मिलता है जो आपको ये संसार नहीं दे सकता। ये संसार में जो है आपको कोई नहीं दे सकता, अनंत जीवन व उद्धार आपको और मुझे नहीं मिल सकता।
प्रभु यीशु मसीह में जो व्यक्ति आता है, जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता और सच्चा परमेश्वर के रूप में जो व्यक्ति विश्वास करता है, उस व्यक्ति को स्त्री हो या पुरुष हो, बेटा हो बेटी हो, कोई भी संसार में क्यों ना हो, उस व्यक्ति को उद्धार के अनुभव मिलता है, उस व्यक्ति को नया जीवन मिलता है। और क्या मिलती है? एक बहुत बड़ी आश मिलता है। वो आश क्या है? कि वो आश यह है कि मैं मरने के बाद भी मैं स्वर्ग जाऊंगा, यीशु मसीह के संग संग युगानुयुग तक प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहूंगा, उसका पूजा करूंगा, उसका आराधना करूंगा। ये आश हमारे जीवन में मिलता है मेरे प्यारों। अब संसार उनको जाओ, अब मरने के बाद क्या होगा पता नहीं, उनको नहीं पता। कोई तो बोलेगा, यदि थोड़ा बहुत कोई ऐसे बाबा लोगों की वाणी को सुना होगा तो वो बोलेगा, नहीं हमारे अगले जन्म में यदि हम लोग अच्छे कर्म करे होंगे तो जो है अच्छा जन्म मिलेगा, इंसान का ही जन्म मिलेगा, या फिर यदि अच्छा कर्म नहीं किया होगा, धोखा दिया होगा, झूठ बोला होगा, कोई पाप किया होगा, किसी को हत्या किया होगा, उस व्यक्ति का क्या है? कुत्ता, बिल्ली या फिर सुअर, जानवर, मंदिर, कुछ भी हो, XYZ, वो जान वो जीवन मिलेगा, ऐसे करके वो बताते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, प्रभु का वचन ये कहता है इंसान का जीवन एक ही बार मिलता है जो परमेश्वर ने बना के दिया है, उसके बाद उसका न्याय होना अवश्य है। एक ही बार जीवन मिलता है ये जीवन, और सच्चा ईश्वर को अपन जानेंगे तो वो स्वर्ग जाने का आपको और मुझे क्या मिलेगा ना, वो अवसर मिलता है, उद्धार की अनुभव मिलती है। अभी मैं समझता हूँ कि आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने उस उद्धार का अनुभव को दे दिया है, एक नया जीवन आप और मैं प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को आपने और हमने विश्वास किया, क्या उस दिन का 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले आपने विश्वास किया, वैसे ही आप लोग हैं क्या? या फिर आत्मिक जीवन में आप और मैं कुछ बढ़ोतरी पाया है, कुछ उन्नति हुआ है, या कुछ जो है बदलाव आपके और मेरे जीवन में आया है? पहले शराब पीते थे, अभी भी पी रहे हैं। पहले चोरी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। पहले जुआ खेल रहे थे, अभी भी खेल रहे हैं। क्या हमारे जीवन में ये सब से छुटकारा पा करके एक नम्रता का स्वभाव का जीवन हमारे जीवन में आया है क्या? उस जीवन में, नया जीवन में आप और मैं बढ़ते जा रहे हैं क्या? पुरानी आदतों को छोड़ना, पुरानी स्वभाव को छोड़ करके एक नई आदत को प्रभु यीशु मसीह में जो है उसको अपना करके क्या आप और मैं बढ़ रहे हैं क्या? मेरे प्यारो, आइए उसी के ऊपर ही हम लोग थोड़ी देर और विस्तार रीति से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आत्मिक जीवन व आत्मिक उन्नति क्या है ना, ये आपके और मेरे लिए एक चयन है। और क्या है ये चयन ना, आपको और मुझे लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा आज्ञा दी गई है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज्ञा के रूप में दिया गया है। आज्ञा को जो है हम अंग्रेजी में कहते हैं कमांड इज नॉट एन ऑप्शन। कमांड को जो है आप इसको भी चुन सकता हूं, उसको भी, ये नहीं तो वो, ऐसा दो ये नहीं होता, चयन नहीं होती है, ऑप्शन नहीं दिया जाता। आप एक ही चीज रहती है, इसको आपको लेना ही पड़ेगा। एक ही दवाई है, उस दवाई को आपको लेना ही पड़ेगा। आत्मिक जीवन भी यही है मेरे प्यार। यहाँ पर जो है आपको दो ऑप्शन नहीं है, दो चयन नहीं है, इसको नहीं तो इसको पकड़ लू ऐसा नहीं होता, इसको नहीं तो उसको खा लू ऐसा नहीं होता। एक ही चीज को लेना पड़ेगा, एक ही चीज को पकड़ना पड़ेगा, एक ही गोली खाना पड़ेगा। ये जो है एक आज्ञा होती है, और ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई है। आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका बहुत जो है जाने पहचाने वचन है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 18 से 20वां पद को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार बहुत फेमस एक आज्ञा है यहाँ पर, मत्ती रचित सुसमाचार उसका। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो मैंने बस ब्रदर, मैंने जो सब कुछ आज्ञा दी है उन आज्ञाओं को मानना सिखाओ। टीच देम, उनको शिक्षा दो, उनको मानना सिखाओ, किसी भी रूप से वे लोग माने।
उनको सिखाओ, ये आज्ञा है। अभी टीचर मैथमेटिक्स सॉल्व करता है कुछ सूत्र दे करके, उनको स्टूडेंट्स को पालन करना ही पड़ेगा, उस दवा को लेना ही पड़ेगा, नहीं तो स्टूडेंट्स क्लास में फेल हो जाएंगे। वैसे ही है मेरे प्यारो, प्रभु का वचन का शिक्षा आपको और मुझे मिला है, ये आज्ञा ऑलरेडी दी गई है, उनको ये सब वचन को मानना सिखाओ। जब हम लोग इसको मानना चालू करेंगे या फिर सिखाना चालू करेंगे, और इसका और कोई दूसरा दवाई नहीं, एक ही दवाई है, वो है क्या है, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन बाइबल। ये दवाई को लेते ही रहना पड़ेगा, ये गोली को खाते ही रहना पड़ेगा, तब जा करके आप क्या हो सकते हैं, ना तंदुरुस्ती के साथ आप लोग बढ़ सकते हैं। प्रभु का, प्रभु क्या कहते हैं, मैं जो जो आज्ञा दी है उनको मानना सिखाओ। प्रभु का वचन में बहुत सारे ऐसी आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं को जो है हमें वो जो है सिखाना भी है, और उसके साथ साथ एक विश्वासी होने के नाते जो शिक्षक को भी मानते रहना पड़ेगा, हमें भी मानना है, विश्वासियों को भी मान करके चलना पड़ेगा। ये इसी में ही हमारी आत्मिक उन्नति होती है मेरे प्यारे, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होती है। क्या चेले लोगों ने इस बात को आज्ञा पालन किया कि नहीं किया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ तुम और जो है शिक्षा दो उनको, ये सब कुछ मानना सिखाओ, टीच देम। क्या वो टीचर वो जो चेले लोगों ने यही जो प्रभु यीशु मसीह ने जो जो आज्ञा दी थी उनको क्या उन्होंने मानना सिखाया या नहीं, इस बात को हमें समझना जरूरी है। आइए हम लोग एक पद को पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय और 18वां पद, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 18वां पद, तीन का 18 पढ़िए ब्रदर कोई। दूसरा पत्रस 3:18, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुग होती रहे, आमेन आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर चेले लोगों ने भी उस आज्ञा को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को उन्होंने भी पालन किया है। उन्होंने क्या किया ना, अपने जो विश्वासी लोग थे, कलीसिया के विश्वासी लोग थे, उन सभी को जो है ये वचन को उन्होंने शिक्षा दिया है। आत्मिक जीवन में क्या होना है ना, उस अनुग्रह में, प्रभु की अनुग्रह में, उसकी पहचान में बढ़ते जाने का शिक्षा दिया है। मेरे प्यारों, हमें प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना है, प्रभु की पहचान में हमें बढ़ना है। प्रभु की पहचान और प्रभु के अनुग्रह का मतलब क्या, प्रभु का पहचान में बढ़ते जाना उसका मतलब जो है आप में क्या होना है ना, अभी एक पहचान पत्र बनता है। आप सबसे पहले पुलिस आती है तो ये किसका बेटा है, तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है, उसी से उसकी पहचान हो जाती है। मेरे प्यारों, वैसे ही है आप और मैं किसके बेटे हैं। कल कुछ दिन पहले भाई अभिषेक मुझे बता रहे थे, पुलिस वाला आया और एक जो है विवाद चल रहा था, जमीनी विवाद, उस दूसरा पार्टी का व्यक्ति को आकर के सबसे पहले उस व्यक्ति को पूछा, क्या रे तेरा नाम क्या है, ऐसा करके उस उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है पूछा, उसने बताया तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है बोला। उस लड़के को बोलते ही जो है उसको क्या किया ना, पुलिस पकड़ करके लेकर के गई। पहचान किसके जरिए, ना आपका और आपका पिताजी का। मेरे प्यारों, मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हमें बढ़ते जाना है। आप किसके संतान हैं? मैं यीशु मसीह का संतान। आपको जो है ये बातें आपको दूसरों को बतानी है, मैं उसका बेटा हूं। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के संतान यदि है, उसकी पहचान है, तो फिर आपको और मुझे किस तरीके से जीवन जीना होगा। मेरे प्यारो, क्या अपना पिता का नाम को आप क्या बदनाम करना चाहते हैं? क्या कोई नहीं करना चाहता? अब जो सांसारिक पिता हैं, उनकी पिता के नाम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। यदि कोई पिता के नाम से कुछ भी बोल दे तो आप सह नहीं सकते, मेरा बाप पे मत जाना, मेरे पिताजी के पास मेरा पिताजी का नाम मत लेना, कोई कुछ बोलता है तो हम सह नहीं सकते हैं। मेरे प्यारो, क्या अपने कर्मों के जरिए उस पिता का नाम को आप और मैं बदनाम कर रहे हैं क्या?
इस बात को आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है। अपने एक्शंस के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपना बोली के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा उस पिता का पहचान को हम बरकरार रखे हैं क्या, या फिर उसका नाम को जो है हम बदनाम करते जा रहे हैं। मेरे प्यारो, मैंने बहुत सारी जगह में मैंने देखा है ना, कि क्या है, मसीह तो कहलाते हैं लेकिन क्या है ना, वे लोग दारू में, शराब में बहुत नाम बर्बाद है। एक पुलिस वाला का मकान में हम लोग पहले रहते थे, पुलिस लाइन में, अरे आप ईसाई लोग तो बहुत पीते हैं, हमसे भी ज्यादा पीते हैं करके वो बोल रहे थे। मेरे प्यारो, यही पहचान है क्या हमको, ईसाई लोग शराब पीते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं, हमारे हमसे भी और बढ़ करके पाप करते हैं, तो हमारा पहचान क्या रह जाएगा। प्यारो आइए वो सब चीजों से हमें दूर रहने की प्रयास करना है, पिता का नाम को हमें रोशन करने की जरूरत है क्या मेरे प्यारो, उसकी पहचान में बढ़ते जा रहे हैं, उसकी अनुग्रह पाते रहना है। उसकी अनुग्रह पाना मतलब हम, मैं कुछ नहीं है प्रभु जी, मेरे पास जितना धन है, दौलत है, सब कुछ है, ये सब कुछ घमंड, ये सब कुछ अहंकार, ये कुछ भी नहीं है प्रभु, मुझे तो तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी दया मुझे जरूरत है। मेरे प्यारो, उसकी करुणा, उसकी दया, उसके जीवन की जो घमंड है, सब कुछ को दूर करके प्रभु के हाथ में हमें समर्पित हो जाना, और जो है तब जा करके प्रभु का अनुग्रह हमें मिलता रहेगा। उसकी अनुग्रह में और उसकी पहचान में हमें बढ़ते जाना है। पत्रस और भी जो है प्रभु में बढ़ने के विषय में उन्होंने शिक्षा दिया, वही दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, पांचवा पद, पांचवा, छठवा और सातवा पद पढ़ लेना। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, पांचवा, छठवा, सातवा, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रतीति और भाईचारे की प्रतीति पर प्रेम प्रेम में बढ़ते जाओ। क्योंकि आठवां भी एक, हाँ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान में रहे और बढ़ती जाएं तो तुम्हारे तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानों में निकम्बे और निष्फल ना होने होने देगी। ओके, ते हैं प्यारो, हमें प्रभु में बढ़ते जाना है, इसी कारण तुम क्या करना है, ओके, सब प्रकार का यत्न करके, हर तरह का प्रयास करके, इसके लिए हमें कोशिश करना बहुत जरूरी है, हर तरह का प्रयत्न करने की जरूरत है। कोशिश करते हुए क्या करना है, इसमें लिखा गया है ना, अपने विश्वास पर सद्गुण पाना है, सद्गुण पर समझ पाना है, समझ पर हमें क्या करना है, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रेम, भाईचारे की प्रेम, और क्या है ना, उसकी प्रीति में हमें रोज बढ़ते जाना है। यदि इसमें आप और मैं बढ़ते जाएंगे तो कभी भी क्या नहीं होंगे, निष्फल नहीं हो सकते हम लोग, निष्फल नहीं हो सकते। एक पेड़ लगा दिया तो ये सब चीजें जो है, खाद उसमें दे रहे हैं, उसमें पानी दे रहे हैं, उसमें जो है कोड़ा कासी कर रहे हैं, तो वो पेड़ बढ़ते जाएगा, उसमें जरूर फल दिखाई देगा। यदि उसमें ना पानी गिर रही है, ना खाद आ रहा है, कोड़ा कासी हो रही है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो उस पेड़ में कैसे फल लग सकता है। प्यारो, प्रभु का वचन हमें क्या शिक्षा देता है ना, हमें बढ़ते जाना है। एक आत्मिक जीवन ऐसा है, एक शारीरिक जीवन क्या है, उसमें यदि भोजन देते रहोगे तो वो क्या होता है, वो भी बढ़ते जाता है। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी हमें ये सब भोजन देने की जरूरत है, तब जा करके आप और मैं मेरे प्यारो आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे और कभी भी निष्फल नहीं हो सकते, कभी भी निष्फल नहीं हो सकते। इसीलिए ये क्या है, आत्मिक जीवन बढ़ना कोई चयन नहीं है, दो चीज है, एक चीज को चुन लिया, दूसरा को छोड़ दिया, नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के ओर से आज्ञा है। आत्मिक जीवन कोई चयन नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, हमें चुन करके इसमें बढ़ते जाना है। पहली बातों को हम लोगों ने देखा कि जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है क्या है ना, आज्ञा को हमें पालन करके आज्ञा में हमें बढ़ते जाना है। इसमें हम लोगों ने देखा क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज्ञा दी गई, चेलों लोगों ने भी पालन करके उनके क्या किया है ना,
विश्वासियों को उन्होंने शिक्षा दिया, वे लोग भी आत्मिक जीवन आत्मिक पहचान में वे लोग बढ़ते गए, प्रभु का अनुग्रह में बढ़ते गए, हमें भी प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाना। यदि पहचान में हम लोग बढ़ते जाएंगे तो हमारे जीवन में कभी भी असफल व निष्फल नहीं हो सकते। मेरे प्यारो आइए हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हम लोग और भी गंभीरता के साथ प्रभु का वचन में और जो है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु हमको मदद करे। दूसरी बात को हम लोग जानते हैं आत्मिक जीवन क्या है ना, ये एक ऐसी एक चयन है जो एक ही चीज को चुनना है, हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। दिस रिक्वायर्स ए डिलीजेंट एफर्ट, एक कड़ी मेहनत की जरूरत है। यदि इसमें आप आत्मिक जीवन में मेहनत करना ही नहीं चाहते, आप बढ़ना ही नहीं चाहते, तो कभी नहीं बढ़ सकते इसमें। इसीलिए क्या है ना, पीपल क्या करते हैं ना, लोग शारीरिक जीवन में बढ़ने के लिए बाय डिफॉल्ट वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भोजन मिलता रहता है और वो बढ़ते जाते हैं, उसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो लोग बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम शारीरिक जीवन के विषय में देखें, आत्मिक जीवन के विषय में देखें तो हमें आत्मिक भोजन की जरूरत है, आत्मिक संगति की जरूरत है, संयम की जरूरत है, धीरज की जरूरत है, भाईचारे की प्रेम की जरूरत है, ये सब विश्वास की जरूरत है, तब जाकर के एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ सकता है। लेकिन शारीरिक व्यक्ति को क्या है ना, उसको ऑटोमेटिकली वो भोजन लेता रहेगा, सुबह उठा नाश्ता चाहिए, दोपहर को कहीं से काम किया तो उसको भोजन चाहिए, रात को भी भोजन चाहिए। क्या आप और मैं शारीरिक भोजन ऐसे लेते हैं? क्या आत्मिक भोजन भी बढ़ने के लिए हम लेते हैं क्या? सुबह उठते ही नाश्ता, दोपहर को और भोजन, शाम को और भोजन, ऐसा खा रहे हैं क्या? दाऊद ने क्या किया आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए? कितना बड़ा रुकावट उसके जीवन में आई, इस बात को आप और मैं वाकिफ है। हम जानते हैं दाऊद ने क्या किया ना, दिन में वो मंदिर के ओर जो है वो देखते हुए दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। मेरे प्यारे आत्मिक जीवन में ऐसे ही है, हमें बढ़ना है। क्या आप और मैं ऐसे ही भोजन लेते हैं क्या? ये आपके और मुझे एक सवाल है मेरे प्यारे। हम लोग और आत्मिक जीवन में यदि बढ़ना है तो कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। योहन्ना रचित सुसमाचार 6:27 और हम पढ़ेंगे, योहन्ना 6 और उसकी 27 नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। अभी आप लोग देखो कि जो है नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु इसमें लिखा है परंतु उस भोजन के लिए, इस भोजन के लिए आत्मिक भोजन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने वो देता है, उसके लिए प्रयत्न करना है। आत्मिक भोजन के लिए हमें प्रयत्न करना है। आप सुबह उठ करके मीटिंग में जोड़ोगे ही नहीं, भोजन कहां से मिलेगा? अब सुबह उठ करके बाइबल निकालोगे ही नहीं, भोजन कहां से मिलेगा? दोपहर को बाइबल निकाल करके पढ़ोगे ही नहीं या वचन सुनोगे ही नहीं, कहां से मिलेगा? शाम को आकर के देखो 1000 लोग हैं, मीटिंग चलती है, कितने लोग जुड़ते हैं, कितने सुबह शाम लोग जो है लोग लेना चाहते हैं। सभी लोगों के लिए खुला है, हम हर ग्रुप में डालते हैं, मीटिंग में जोड़ो, मीटिंग में जोड़ो, प्रभु का वचन को सुनो। कितना समय लगता है? 1 घंटा प्रभु का वचन बैठ करके सुनना। मेरे प्यारो हमारे पास समय नहीं, हम जुड़ना ही नहीं चाहते, हम सुनना ही नहीं चाहते। शारीरिक भोजन के लिए जो नाश होती है उसके लिए तुम हर प्रकार का प्रयत्न करना चाहते हो, लेकिन 1 घंटा आत्मिक भोजन लेना आप और मैं नहीं चाहते। उसका मतलब क्या है मेरे प्यारो? हमारी ग्रोथ, हमारी बढ़ोतरी जो है क्या होता है, बढ़ता नहीं। एक लड़का या एक लड़की पैदा हो जाती है, बढ़ता नहीं है, तो कितना बार डॉक्टर के पास जाते हैं, साहब जी कुछ दवाई लिख करके दे दो, मेरा बच्चा नहीं बढ़ रहा।
मेरे बच्ची नहीं बढ़ रही, दवाई लिख करके दे दो। मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही? हम लोग हर तरह का दवाई दे करके किसी ना किसी रूप से उसको बढ़ाना चाहते हैं। मेरे प्यारो, आत्मिक जीवन में भी ऐसे ही क्या आप और मैं उस खुराक को लेते हैं क्या, उस दवाई को लेते हैं क्या? बढ़ना जानना, हम बढ़ना चाहते हैं क्या? शारीरिक तौर पर हम लोग बढ़ना तो जानते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर क्या हम उसी तरीके से प्रयत्न करके आगे विश्वास में बढ़ना आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं क्या? ये आपके और मेरे लिए एक सवाल है। पहला विषय को हम लोगों ने देखा, ये कोई चयन नहीं है, परमेश्वर के द्वारा आज्ञा दी गई है। दूसरी बात को हम लोगों ने देखा कि क्या है ना, ये परमेश्वर के द्वारा आज्ञा दी गई है और आपको और मुझे एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप मेहनत कर रहे हैं क्या? आकर के जुड़ रहे हैं क्या? वचन पढ़ रहे हैं क्या? कठिन परिश्रम कर रहे हैं क्या? मेरे प्यारों, चर्च जाना हो, बारिश हो रही है, नहीं जाना चाहते? प्रेयर मीटिंग है, बारिश हो रही है, नहीं जाना चाहते? ज्यादा गर्मी हो रहा है, नहीं बेटा, नहीं भाई, धूप हो रही है, मैं नहीं आ सकता, ये परिस्थिति हो गई है, मेरे पास ये काम रह गया इसलिए मैं नहीं आ पाया, ये परिस्थिति हो गया है। आज प्रभु का वचन को सुनने के लिए मेरे प्यारों, हर काम को करना चाहते हैं, प्रभु काम जब आता है तो उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। भैया मेरे पास ये काम हो गया, मैं इसलिए नहीं आया। शारीरिक चीजों के लिए बहुत सारे बहाना हम लोग कर लेते हैं, आत्मिक जीवन में हम बढ़ना ही नहीं चाहते, मीटिंग अटेंड करना ही नहीं चाहते, प्रभु में हम लोग बढ़ना ही नहीं चाहते। मेरे प्यारों, आत्मिक जीवन क्या है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, हम मेहनत करने की जरूरत है, कुछ चीज को दरकिनार करने की जरूरत है। फिलिपियों का पत्र, उसका दूसरा अध्याय 12 पद हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियों का पत्र 12 पद। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्या हम लोग देखते हैं मेरे प्यारो, जब प्रभु के दास लोगों के साथ रहते हुए ही प्रभु का आज्ञा मानना, प्रभु का दास जो है चला गया। हेलो जेम्स अंकल, क्या बारिश तो अभी रुक रुक करके हो रहा है? क्या देख सकते हैं ना, प्रभु के दास लोग जब हैं हमारे पास में तो अच्छे से है ना, मान लो आत्मिक जीवन में दिखा लो, लेकिन प्रभु का दास लोग दूर चले जाते हैं, अपने घर चले गए और कहीं चले गए, अपना मर्जी के मालिक हो गए। जैसे कि ये घर पे एक बेटा या एक बेटी होते हैं, जब पिताजी नहीं होते तो वो तो आजाद पंछी है, अपना मर्जी से जो चाहे वो कर ले, ऐसा हो जाते हैं। क्या आप और मैं वैसे ही हैं क्या मेरे प्यारे? या फिर स्कूल में जब मास्टर होता है, जब तक मास्टर है तब तक तो पूरा सब बच्चे शांत होकर के बढ़िया होकर के बैठे हैं, जी सर यस सर, और जब मास्टर क्लासरूम को छोड़ करके जैसे ही पीछे मुड़ जाता है, आगे चला जाता है, बच्चे सब के सब जो है अपना मस्ती में धुन हो जाते हैं। क्या हम लोग वैसे ही हैं क्या? पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि हमारे साथ रहते हुए तुम आज्ञाओं को पालन करते थे, प्रभु में बढ़ते जाते थे, जब आपसे आप लोगों से हम दूर हो गए तो क्या आप लोग अपना मर्जी के मालिक बन गए हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं। पत्रस पौलुस कहते हैं कि हम भले दूर हो गए, फिर भी हमारे संग रहते हुए जैसे कि परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते थे, उद्धार की जो है क्या लिखा गया है ना, उद्धार का कार्य को तुम पूरा करते जा रहे थे, अभी भी जो है हम दूर हैं पर भी तुम लोग वैसे ही करते रहना। क्या हम लोग वैसे ही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा। उसी फिलिपियों का पत्री उसका तीसरा अध्याय की ओर आते हैं, देखिए 13 और 14 पद में क्या लिखा है, उसी दूसरा अध्याय 13 और 14 पद, तीसरा अध्याय 13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं,
परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, प्यारो जो है प्रभु का अनुकरण जो व्यक्ति करता है, प्रभु के पीछे जो व्यक्ति चलता है, प्रभु में जो व्यक्ति बढ़ना चाहता है, उस व्यक्ति को क्या मिलेगी? ना प्रभु के ओर से जो है अनुग्रह मिलता है, प्रभु के ओर से जो है दया मिलती है, प्रभु के ओर से आशीषें ही आशीषें मिलती है। लेकिन हमें क्या करना है? उसके ओर हमें दौड़ा चला जाना है। पौलुस क्या कहते हैं, मैं उसको पाने के लिए मैं पा चुका नहीं हूं, मैं उसके लिए अभी दौड़ा चला जाता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे मैं भागते हुए जा रहा हूं, आगे की ओर मैं बढ़ते जा रहा हूं। प्यारो हमें भी आगे बढ़ते जाना है, हमें रुकना नहीं है। और क्या करना है? पहली बात को हम लोगों ने देखा कि हमें इसके लिए कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। दूसरी बात को देखा कि हमें दौड़ा चले जाना है, मतलब उसकी ओर बढ़ते जाना है उसको पाने के लिए। तीसरी बात को हम लोग देख सकते हैं दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 5वां और 10वां पद को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5वां पद और 10वां पद। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास सद्गुण और सद्गुण पर समझ। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। अब देखिए हम लोग क्या देख सकते हैं, ना यत्न करने की जरूरत है, पहले तो प्रयास करना है ना, प्रयत्न करना है। वह हर समय जो है बहुत ही क्या बोलते हैं, मेहनत करके जो है उस चीज को, उसके लिए हमें आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। दूसरी बात, उसके लिए हमें बढ़ते चले जाना है, यू नो प्रेसिंग ऑन टू गेट दैट वन, है ना, उस इनाम पाने के लिए किसी न किसी रूप से हम लोग जो है प्रयास करते हैं। क्लास में फर्स्ट आने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। अब ओलंपिक में जो है, अब वो क्या नाम है, एक लड़की है PV सिंधु, उसने जो है क्या किया है, गोल्ड मेडल लाई है। उसने 5 साल तक मेहनत करती रही है ना। आसाम की एक और जो है लड़की है, वो भी बहुत ही ज्यादा वो मेहनत करते हैं। अब ब्रॉन्ज मेडल तो उसका श्योर है ना, सेमीफाइनल में वो जा चुकी है। मेरा कहना ये है कि उन्होंने 5 साल तक मेहनत करते रहे, तब जाकर के उनको मेडल मिला। मेरे प्यारो मसीह जीवन में भी वैसे ही है, हमें वी हैव टू यू नो वर्क हार्ड, हमें मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा प्रयत्न करना है, तीसरा यत्न। यत्न मतलब क्या है? डिलिजेंस। हमें यत्न करने की जरूरत है मेरे प्यारो। बहुत ही जो है कुछ चीज को यदि हम लोग तलाशते हैं, कुछ चीज को हम लोग जो है तलाशते हैं तो कैसे करते हैं, बड़े ध्यान पूर्वक उस चीज को हम लोग पाने का प्रयास करते हैं। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी ऐसे ही ध्यान लगा करके हमें बढ़ने की जरूरत है, तब जा करके हम लोग जो है उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं और कभी ठोकर नहीं खा सकते। मेरे प्यारो जैसे कि शारीरिक तौर पर एक व्यक्ति को एक्सरसाइज की जरूरत है, आत्मिक जीवन में भी रोज उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आत्मिक जीवन में भी उसको व्यायाम करने की जरूरत है। पहला तिमोथियस उसका 4-7 से 8 पद क्या लिखा गया है, पहला तिमोथियस उसका 4:7-8 पर शुद्ध और पर अशुद्ध और बुढ़ियों की इसी कहानियों से अलग रह और कि अपना साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हम लोग क्या देख सकते हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है
तो हमें जो है एक्सरसाइज, जो शारीरिक एक्सरसाइज लोग जो है तंदुरुस्त रहने के लिए, हट्टा कट्टा रहने के लिए, लंबी उम्र के लिए, वो लोग हर समय जो है क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन हम लोग क्या देख सकते हैं, आत्मिक जीवन में भी हमें तंदुरुस्ती चाहिए तो हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है मेरे प्यारो। वो एक्सरसाइज प्रभु का भक्ति, प्रभु का भय है ना, आदर करना। तो हमें क्या मिलती है, लंबी उम्र मिल सकती है, हमें भी जो है लंबी उम्र। लोग एक्सरसाइज इसीलिए करते हैं ताकि वो लंबी उम्र पा सके, स्वस्थ रह सके। हम भी जो है लंबी उम्र चाहिए तो प्रभु का भय मानना, बड़े लोगों का आदर करना, प्रभु की आदर करना है ना, और जो है ये सब आत्मिक एक्सरसाइज है मेरे प्यारों। आइए हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए ये सब जो है क्या करना है ना, प्रयत्न बा यत्न करने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आज हम लोगों ने देखा दो बातों को, आज अभी हम लोग देख चुके हैं। पहली बात को हम लोगों ने देखा कि आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो हमें क्या है, आज्ञा है उसको पालन करना है। आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी है, उसको पालन करना। दूसरी बात को हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी ये क्या हमें चाहिए ना, हमें मेहनत की आवश्यकता है। इस मेहनत में हम लोगों ने क्या क्या देखा ना, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बहुत ही प्रभु ने कहा क्या कहा ना, शारीरिक चीजों के लिए तुम तो मेहनत करते हैं, वैसे ही आत्मिक चीजों के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात को हम लोगों ने देखा कि पॉलस क्या कहते हैं ना, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए वो दौड़े चले जाते हैं, आपको और मुझे भी दौड़ना पड़ेगा। तीसरी बात को हम लोगों ने देखा क्या है ना, आत्मिक जीवन में हमें बढ़ना है तो जो है यत्न करने की जरूरत है। चौथी बात को हम लोगों ने देखा वो ये है, आत्मिक जीवन में हमें बढ़ना है तो शारीरिक व्यायाम बा एक्सरसाइज करने की जरूरत है मेरे प्यारो। ये एक्सरसाइज आज एक दिन कर लिया, एक खुराक ले लिया, कल को मैं सही हो जाऊंगा, और ये दवाई जो है लंबी समय तक चल सकती है, ऐसा नहीं। रोज व्यायाम करने की जरूरत है, टुडे टुमारो एंड ऑलवेज एवरी डे। हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए इस व्यायाम की जरूरत है। तीसरी बात को अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये क्या है ना, आत्मिक जीवन में बढ़ना मैं ही खुद मेहनत करते रहूं और मुझे कोई मदद ना करे, ऐसा नहीं। आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो प्रभु है आपके साथ, वो आपको मदद करते रहेंगे। आत्मिक जीवन में बढ़ना परमेश्वर के द्वारा आज्ञा है। दूसरी बात को देखा, आत्मिक जीवन में बढ़ना एक डिलीजेंस एफर्ट की जरूरत है, कड़ी मेहनत की जरूरत है। तीसरी बात अभी हम लोग देख रहे हैं वो ये है, आत्मिक जीवन में बढ़ना परमेश्वर की मदद की जरूरत है। आप खुद बढ़ेंगे नहीं हो सकता, पेड़ आपे अपने आप जो है अकेला बढ़ जाए नहीं हो सकता, माली की जरूरत है। वैसे ही एक विश्वासी अपने आप प्रयास करे बढ़ते जाए नहीं हो सकता, उस मालिक की जरूरत है। पेड़ को माली का जरूरत है, विश्वासी को मालिक का जरूरत है। मेरे प्यारो उस मालिक वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। उसकी आवश्यकता है हमें विश्वास में बढ़ना हो तो क्या है, हम लोग जो है अकेला मेहनत करने की जरूरत नहीं, प्रभु आपको और मुझे क्या करेगा ना, मदद करेगा। हम लोग वही जो वचन को हम लोग देख रहे थे, हमारी जो उद्धार की कार्य के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। फिलिप का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 12 पद को हम लोग पढ़ रहे थे, अभी 12 के साथ साथ 13 पद को भी पढ़ेंगे। फिलिप का पत्री दूसरा अध्याय 12 के साथ 13 पद भी पढ़ेंगे। तो हे मेरे प्यारो, तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। क्या देखते हैं, ये सब कुछ करने के लिए कौन प्रभाव डालेगा, प्रभु ही। प्रभु आपका, जो आप मेहनत करो बढ़ने के लिए, प्रयत्न करो, प्रयास करो,
उसमें प्रभु आपको और आशीष देगा। हमारे घर पे 4 दिन 5 दिन हो गया लाइट नहीं है, आज के साथ 5वां दिन हो रहा है लाइट नहीं। मैंने प्रयास किया कैसा भी करके एक इन्वर्टर का व्यवस्था करना है, प्रयास करता गया तो जो है रंजीत सर का भी थोड़ा सा ऊपर से आशीष हो गया, इतना सुकून मिल गया। आप समझ सकते मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वैसे ही है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आप और मैं यदि प्रयास करेंगे तो प्रभु भी ऊपर से और प्रभाव डालेगा, और दया दिखाएगा, और करुणा दिखाएगा, और आप जो है विकसित होकर के बढ़ सकते। मेरे प्यारों, हमें प्रयत्न करना है प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा, प्रभु भी प्रभाव डालता रहेगा, इस बात को हम लोग देख सकते हैं। क्या है एक और पद, उसी फिलिपियों का पत्री उसका पहला अध्याय और जो है 6वां पद को भी पढ़ लीजिए जगवीर। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने आपके जीवन में उद्धार का काम को जो है शुरू किया है वही आखिरी दिन तक पूरा करेगा, वही चीज को वो बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन आप और मैं उसके लिए क्या करना है, उस पेड़ के साथ जुड़े रहना। हम लोग कहां योहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में क्या देख सकते हैं, एक डाली को फल लाना है तो दाखलता के साथ उसको जुड़े रहने की जरूरत है, तब जाकर के वो डाली में फल आ सकते हैं। दाखलता में आप और मैं जुड़ना ही नहीं चाहते तो फल कहां से आएगा। मेरे प्यारे, प्रभु ने शुरू किया है, जरूर प्रभु अंत करेगा, इसके लिए अंतिम समय तक आपका साथ प्रभु देता जाएगा। प्रभु है आपको और मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए, लेकिन हम क्या करना है, हम अपने तौर पर भी हमें प्रयास करने की जरूरत है, प्रभु में लगे रहने की हमें जो है एक जरूरत है, तब जाकर के आप और मैं आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। क्या बढ़ना चाहते हैं? यदि हम लोग एफर्ट ही नहीं करना चाहते, हम बढ़ना ही नहीं चाहते, प्रभु का उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को आप और मैं पाना ही नहीं चाहते तो हम कभी नहीं बढ़ सकते। क्या करता है प्रभु, हमारी जो अंदरूनी मनुष्य है उसको शक्तियुक्त करता है, उसको सामर्थ देता है। एफिसियों का पत्र में वही बात को हम लोग पढ़ सकते हैं। एफिसियों उसका जस्ट पहले पत्र देखो 3:16 एफिसियों 3:16 अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यों में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। क्या देख सकते हैं, प्रभु आपको जो अंदरूनी मनुष्य है, जो आत्मिक व्यक्ति है, आत्मिक पुरुष आपके अंदर जो है, आप तो शरीर में एक मनुष्य है ही, आत्मा भी एक और व्यक्ति है, उस व्यक्ति को प्रभु जो है शक्तियुक्त करता जाएगा, सामर्थ देता जाएगा, ताकि आप क्या करो, बलवंत होकर के आत्मिक जीवन में बढ़ते जाओ। सबसे पहले हमारा प्रयत्न ऊपर से और आशीष। मेरे प्यारों, प्रभु है हमारे साथ वो सामर्थ्य देने के लिए। उसका 20वां पद भी पढ़ने ना, इनका 20। जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। क्या देख सकते हैं, प्रभु इतना सामर्थी है, सोच और समझ से भी परा है प्यारो, इतना सामर्थ्य है वो प्रभु, उसका ताकत को, उसका सामर्थ्य को कोई शक कर सकता है कोई? उसकी आवाज से आंधी और तूफान थम जाते हैं, उसकी आवाज से एक मूर्ता व्यक्ति जीवित हो सकता है, एक अंधा व्यक्ति देख सकता है, उसकी आवाज से सारी संसार, सारे ब्रह्मांड कांपते हैं, संसार जो है सृष्टि हो सकता है उसकी आवाज में, उसकी सामर्थ्य में कोई डाउट? मेरे प्यारे, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, उसका सामर्थ्य के लिए हमें भरोसा की जरूरत है।
उस प्रभु के ऊपर यदि हम भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, वो परमेश्वर आपको और मुझे मदद करेगा। प्यारो, आज हम लोगों ने तीन बात को देखा, वो क्या क्या है? ना आत्मिक जीवन में बढ़ना है, हमें बढ़ते ही जाना है, ये क्या है? ना ये परमेश्वर के द्वारा आज्ञा दी। दूसरी बात को हम लोगों ने देखा कि हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो हमें मेहनत करने की जरूरत है। तीसरी बात को आज हम लोगों ने देखा, आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो प्रभु आपके साथ साथ है, वो आपको बढ़ाएगा। लेकिन आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत, तब जाकर के बढ़ते हैं। अभी मैं शांतारिक विषय के ऊपर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जितने सारे पेट्रोल पंप है, बड़े बड़े जितने सारे स्कूल्स हैं, आप जानते हैं कैसे होता है? सभी जो नेता लोग हैं उन लोगों की हाथ होती है। जितने सारे पेट्रोल पंप्स वगैरह खुल रहे हैं, जितने सारे स्कूल्स बड़े बड़े खुल रहे हैं, जितने सारे रास्ता रोड वगैरह उसके जो बनते हैं, सभी नेता लोगों के हाथ उनके ऊपर होता है, तब जाकर के ये सब भी लोग कर पाते हैं। मेरे प्यारों, सांसारिक रीति से बढ़ने के लिए वो तो पाप की चीजें हैं, मैं उसमें जाना और नहीं चाहता। आत्मिक जीवन में भी हमें बढ़ना है, आत्मिक जीवन में हमें आशीष पाना यदि हम लोग चाहते हैं तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? उस हमारी जो मालिक है उसके हाथ यदि हमारे ऊपर हो गया, हमें और कोई रोक नहीं सकता। आत्मिक जीवन में भी बढ़ेंगे, उसके साथ साथ शारीरिक जीवन में भी आप और मैं बढ़ सकते। मेरे प्यारो, आइए प्रभु आपको और मुझे मदद करें कि उस आज्ञा को आप और मैं पालन करें। प्रभु ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा को पालन करें। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मेरे प्यारो हर समय हम प्रयास और प्रयत्न करें, उसके पीछे हम लोग दौड़ते चले जाए। तीसरी बात, आखिरी हम लोगों ने देखा वो ये है कि आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो परमेश्वर हमारे साथ, प्रभु हमारे साथ है, वो माली हमारे साथ है, वो माली हमारे साथ है। क्या आप और मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं? यदि हाँ तो अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण कर, प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ, नम्र होकर के उसके साथ जुड़ो। दाऊद के समान हमें जुड़े रहना, प्रभु का वचन में पढ़ते रहना, तब जाकर के आत्मिक जीवन में बढ़ सकता है। आप लोगों ने प्रभु का वचन को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये जो अवसर मुझे BDTI की ओर से मिला उसके लिए भी मैं धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी के। बहुत बहुत धन्यवाद सर सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके द्वारा परमेश्वर ने आज हमें आत्मिक